हेलो आवर ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया, वेलकम टू माय अमेजिंग एंड ग्लोरियस चैनल राज स्टडी क्लब। तो बच्चों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लेके आए हैं जिससे आप केवल और केवल 2 से 2.5 महीनों में अपने बोर्ड एग्जाम्स में 90% से लेकर 95% तक स्कोर कर सकते हैं। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी चीज आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्च किया है, मेरे इनिशियल कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं, उन एक्सपीरियंस की बदौलत मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भी एक्चुअली क्लास 10 के बोर्ड में 94.8% बने थे। ये मैं अपनी बाय नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये अवेयर कराना चाहता हूँ कि कोई भी यूट्यूब पे आके आपको ऐसा वैसा ज्ञान दे के चला जाए लेकिन उसको खुद एक्सपीरियंस ना हो। जब तक उसके पास खुद एक्सपीरियंस नहीं है तब तक वो किसी और को कैसे सिखा सकता है। इसलिए मैं आपको के लिए बताना चाह रहा था। तो अगर आप यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इन 7 पॉइंट्स को आपने आज फॉलो कर लिया वीडियो के एंड तक, तो मैं दावा कर सकता हूँ, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपके 95% से कम तो आ ही नहीं सकते बोर्ड में। तो इससे पहले सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आखिर क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या 7 तरीके हैं। जैसे 7 अजूबा होता है ना, वैसे 7 ये मैजिकल रूल है, 7 ऐसे अजूबे वाले ये तरीके हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से, जिसका नाम हमने दिया है चैंपियंस ट्रैक। जिसका नाम हमने क्या दिया है, चैंपियंस ट्रैक। और यहाँ पे लिखा है नोट डाउन एंड स्टार्ट। क्या आप भी चैंपियन बनना चाहते हैं बोर्ड में? क्या आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में? तो ये चैंपियंस के लिए ट्रिक है, चैंपियंस ये ट्रिक फॉलो करते हैं। ये ट्रिक क्या है, ट्रिक नोट डाउन एंड स्टार्ट, नोट डाउन एंड स्टार्ट। बहुत बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि वो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करते और कहते हैं सर कैसे पढ़े दोस्तों कैसे पढ़े भाइयों। अरे जब वो पढ़ना स्टार्ट करोगे तब तो आगे पढ़ पाओगे कुछ, तब तो कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, चैंपियन की ट्रिक क्या है, नोट डाउन। एक अपने पेज पे पूरा अपना सिलेबस नोट कर लो, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या डिलीटेड टॉपिक्स हैं, क्या क्या न्यू टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, सारे एक सिलेबस एक पेज पे लिख लो आप, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, आज ही वीडियो बंद कर होने तक, वीडियो देखने के बाद, पूरा बंद होने के बाद तुरंत क्या करना है आपको, स्टार्ट कर देना है, आज स्टार्ट कर ही देना है। ये नहीं सोचना कल से करेंगे परसों करेंगे, ऐसे करेंगे तो आप फिर टालते ही जाएंगे। तो चैंपियंस ट्रिक क्या है, नो डाउन एंड स्टार्ट। तो हम अपने दूसरे ट्रिक पे आते हैं, अपना दूसरा स्ट्रेटजी का पॉइंट क्या है, माइंड गेम। क्या लिखा है हमने, माइंड गेम। यहाँ माइंड गेम है क्या, अब देखिए आपने क्या कर लिया, आपने ये तो सोच लिया भाई हमें आज स्टार्ट करना है, आपने ये सोच लिया पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लिया, एकदम प्रिपेयर आदमी स्टार्ट करना है, बट स्टार्ट करे कैसे सर, स्टार्ट करने का मन ही नहीं कर रहा है। भाइयों दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आखिर स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, कैसे स्टार्ट कर दें हम, लेकिन मैं कह रहा हूं आज आपका मन करेगा करने का। क्यों? क्योंकि हम ये करेंगे, माइंड गेम खेलेंगे, अपने माइंड के साथ हम गेम खेल जाएंगे। क्या गेम खेलेंगे, अपना माइंड क्या है, ये है अपना माइंड है फूल, अपना जो ब्रेन है ना, ये अपना जो ब्रेन है ये फूल है, ये एकदम मूर्ख है। अपने ब्रेन को अपने मुट्ठी में रखना है, अपने माइंड को हमें क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, अपने माइंड को कुछ भी नहीं पता है। अगर आप अपने माइंड से कहोगे चलो 2 घंटे हम व्हाट्सएप यूज कर लें, फेसबुक यूज कर लें, तो भाई तुरंत तो यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहोगे चलो 4 घंटे 5 घंटे हम पढ़ लें, तो क्या होगा, वो तैयार नहीं होगा, यार इतना देर कौन पढ़ेगा, वो ऐसा सोचेगा, ऐसा थिंक करेगा, ऐसे उसकी ब्रेन की कैपेसिटी है थिंकिंग की। तो हम क्या करेंगे, माइंड को फूल बनाएंगे, माइंड एक तरह से फूल है, उसको हम फूल बनाएंगे। क्या कहेंगे माइंड से, हम माइंड को केवल इंस्ट्रक्शन देंगे जस्ट फ्यू मिनट्स, यार हम माइंड से क्या कहेंगे, बस कुछ देर 10-15 मिनट आधे घंटे हमें पढ़ना है, फिर हम नहीं पढ़ेंगे, फिर हम मजे करेंगे, आराम से खेलेंगे कूदेंगे जो भी करना हो करेंगे। हम क्या करेंगे, माइंड को मूर्ख बनाएंगे, कैसे स्टार्ट करना है, माइंड को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देना, हम 10-15 मिनट कुछ देर पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे खेलेंगे कूदेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो माइंड को लगेगा यस ठीक है, कुछ देर पढ़ना है, आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप एक बार पढ़ने बैठोगे ना, अगर आपने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया, उस टॉपिक में आपको मजा आने लगा, तो फिर आप 1-2 घंटे से पहले उठ ही नहीं पाओगे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप करके बिल्कुल ट्राई करना, इसे करके बिल्कुल ट्राई करना। ये अपना दूसरा पॉइंट है, क्या है, माइंड गेम। और इसमें हमने एक चीज इंक्लूड किया, टारगेट स्कोर। आप ये पहले डिसाइड कर लो आपको टारगेट कितना करना है, 95%, 97%। इस ट्रिक से 98% तक के बच्चों के आए, 98-99% बच्चों ने स्कोर किए इन ट्रिक्स को फॉलो करके। मैं केवल अपने एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया, मैंने बताया ना आपसे गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह मैंने सर्च करके सारी चीजें मैंने नोट डाउन की आपके लिए, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट दे दूं। इससे अच्छा कंटेंट इसके अलावा अगर आपको कुछ कुछ करने के लिए कहता है, समझ लो वेस्ट कह रहा हूं, सारी बातें फालतू कह रहा है, मैं बता रहा हूं आपसे।
टारगेट कर लो कितना आपको लेके आना है, कहीं ना कहीं आप पेस्ट कर लो, जहां पढ़ते हो बैठ के स्टडी टेबल पे पढ़ते हो, टेबल नहीं नीचे बैठ के पढ़ते हो, जहां पढ़ते हो वहां पे टारगेट स्कोर लिख लो कि हम मुझे इतने परसेंट लेके आने हैं। तो अपना पहला पॉइंट क्या हो गया चैंपियंस ट्रिक, दूसरा पॉइंट हो गया माइंड गेम, हमें क्या करना है स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना ये बता दिया। ठीक, स्टार्ट करने के बाद अब बात आती है सब पढ़े क्या हम, आखिर हम बोर्ड के लिए पढ़े क्या, क्या पढ़े कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाए। अब हम इस पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं क्या पढ़े, तो ये पढ़े भाई क्या पढ़े। तीसरा पॉइंट अपना क्या आता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है हमें, पढ़ना क्या है सबसे बड़ी बात, जो बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना कुछ, वो जो अपने नॉर्मल बच्चे होते हैं क्या करते हैं, एवरेज बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं मेनली, लेकिन जो ज्यादा अपने आप को टैलेंटेड बनते हैं या फिर एक्चुअली जो टैलेंटेड होते हैं वो एनसीईआरटी को बहुत ही कम वैल्यू देते हैं और बाकी सारी चीजें पढ़ने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बाकी सारी चीजें आप पढ़ो, लेकिन अब आपके पास केवल कितने महीने बचे हैं, 2-2.5 महीने बचे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं क्या मान के चल रहा हूं कि अब तक आप जीरो लेवल पे कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है फिर भी अगर ये चीज आप फॉलो करेंगे तो 95 से 99% तक आपके आ सकते हैं। इवन अगर जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो आप 100% भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला पढ़ना क्या आपको एनसीईआरटी पूरा चार्ट जाओ भाई, एनसीईआरटी क्या करो सब चार्ट जाओ, एनसीईआरटी जितने लाइन बाय लाइन साइंस में जितनी भी चीजें दी हुई है एनसीईआरटी में सारी चार्ट जाओ, एक भी चीज छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी में, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए आपसे। एनसीईआरटी बुक ही कितनी बड़ी होती है, इतनी मोटी बुक होती है कि उसको पूरा चार्ट जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं, पिछले 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकते। प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर से 80-85% क्वेश्चन आते हैं, मैंने खुद किए थे क्लास 10th में, बता रहा हूं आपसे कि 83% उससे आए थे प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर से। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है ये करते टाइम कि कौन कौन से सिलेबस से टॉपिक डिलीटेड है, जो डिलीटेड टॉपिक्स है उन्हें आपको हटा देना है, उन्हें नहीं पढ़ना, बाकी सब पूरे 10 ईयर के पेपर से आए के क्वेश्चन आप याद कर लो, रट लो अच्छे से समझ लो उसे क्या कह रहा है वो। ठीक है, अगला क्या कह रहा है पीवाईक्यू चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्हें चैप्टर वाइज पढ़ने हैं। पहला चैप्टर अपना कुछ भी है, दूसरा लेट सपोज क्लास 10 का पहला चैप्टर क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उससे क्या आ रहे हैं उसका जो पहला अपना पहला चैप्टर है उसमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें सॉल्व करना है चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर के क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है ओसवाल सैंपल पेपर, ये ओसवाल सैंपल पेपर आपके लिए रामबाण है दोस्तों भाइयों, ये बहुत ही अच्छा है ओसवाल सैंपल पेपर, अगर आपने सबके सैंपल पेपर ओसवाल के हर एक सब्जेक्ट के कर लिए तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, 70-80% तक इनमें से आते हैं ओसवाल सैंपल पेपर में से। ठीक है, तो इससे आप बढ़िया क्या कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने, पीवाईक्यू लगाने चैप्टर वाइज, और साथ में क्या करना है ओसवाल सैंपल पेपर पढ़ना है। ये मैंने आपको मिनिमम बताया कि इतना आप कम से कम कर लो तो 90% से ऊपर आएगा आपका, अगर आप चाहो तो साथ में कोई गाइड पढ़ सकते हो अगर आप ज्यादा टैलेंटेड हो तो, वरना इतना भी पढ़ोगे तो 90% से ऊपर लेके आओगे आप 95% तक जा सकते हो, लेकिन अच्छे से पढ़ना सब कुछ पता होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट हमने क्या देखा, हमें स्टार्ट करना है, ठीक है हमें कैसे स्टार्ट करना है ये हमने देख लिया, हमने ये देख लिया पढ़ना क्या है। अब चौथी बात ये आती है कितना घंटा पढ़ना है, सर कितना घंटा पढ़ना है भैया आप बता दीजिए, कितने घंटे आप पढ़ना चाह रहे हैं, कितना आप पढ़ना चाहते हैं, कितना आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमने बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बनाया है डिवाइड एंड रूल, यहां पे क्या लिखा 8-10 आवर्स। अगर आप सोच रहे हो कि मैं केवल 2-3 घंटे पढ़ूंगा, 2-2.5 महीने में मेरे सिलेबस खत्म हो जाएंगे, मैं 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस भी लगा लूंगा, पेपर सॉल्व कर लूंगा, तो मेरी बात मानो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आपको टाइम क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने से कितने घंटे 8-10 घंटे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको यूट्यूब पे बहुत लोग आके कहेंगे कि 2-3 घंटे पढ़ो और 95% ले आओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मैंने सर्च किया हुआ है, मैं बिना सर्च किए यहाँ पे आता ही नहीं हूँ। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे डिवाइड एंड रूल, अपना तरीका क्या है, अगर आपको 8-10 घंटे पढ़ने हैं तो क्या आप ऐसा करोगे कि सुबह क्या 11 बजे उठे 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट की रात 10 बजे तक पढ़ ली, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक बार बैठूंगा 8-10 घंटे पढ़ लूंगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप 35-40 मिनट ही पढ़ सकते हैं एक बार की सिटिंग में फुल कंसंट्रेशन के साथ, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते। तो डिवाइड हमें क्या करना है, जैसे ब्रिटिश करते थे डिवाइड एंड रूल, हमें 8-10 घंटों को अब क्या करना है डिवाइड करना है, 8-10 घंटों को डिवाइड करना है। लेट सपोज आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेट सपोज कितना पढ़ रहे हैं आप 10 घंटे, तो आपको इससे क्या करना है डिवाइड करना है, 2.5-2.5 घंटे में डिवाइड करना है, 2.5-2.5 घंटे में 2.5 आवर, 4 सिटिंग में आपको क्या करना है डिवाइड करना है, 4 सिटी में आपको क्या करना है डिवाइड करना है। सब हमेशा एक बार जब बैठे आप 2.5 आवर्स पढ़ेंगे, फिर अगले सिटिंग में बैठे फिर इतने घंटे पढ़ेंगे, फिर इतने अगले बार पढ़े इतने घंटे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ना है आपको। आप सुबह बैठे आपने 2.5 घंटा पढ़ा,
ठीक है, फिर आपने रेस्ट ले लिया एक डेढ़ घंटे का, फिर आप दोपहर में बैठे, फिर आपने ढाई घंटे पढ़े, फिर आप शाम को बैठे फिर ऐसे किए, फिर रात में बैठे फिर ऐसे किए, तब जाके आप पढ़ पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, एकदम आपका माइंड फ्रेश भी रहेगा, आप सारे टॉपिक्स कवर भी कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करना है और रूल करना है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने 300 साल राज किया भारत पे इस ट्रिक की बदौलत, और आपको तो ढाई महीने राज करना है, किसके ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर राज करना है। ठीक है, कितने घंटे, ढाई ढाई घंटे की आप सेटिंग कर सकते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ढाई घंटे से ज्यादा पढ़ ले जाओ, ढाई से तीन घंटे पढ़ ले जाओ लगातार, कई बार दो घंटे हो सकते हैं, तो ऐसे हल्का हल्का टाइम इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने मिनिमम आप एक घंटे पढ़ना ही है, मिनिमम कितने घंटे पढ़ने हैं, एट घंटे। ये चौथा पॉइंट होगा कैसे पढ़े। अब पांचवी सबसे बड़ी बात जो आती है ना, जिसकी वजह से पूरा सिलेबस पढ़ने वाले बच्चे टॉपर क्या होते हैं, एकदम फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, मैं कह रहा हूं आपसे टॉपर फेल हो जाते हैं, किस वजह से, इनके पास क्या नहीं होता, मोटिवेशन क्या नहीं होता, कॉन्फिडेंस, वो क्या हो जा, क्या नहीं करते, रिलैक्स नहीं करते। ये हाँ, ये जो बड़ी बात है, आप इसमें एक डिवाइड रूल में एक चीज ये देख सकते हो, सेल्फ स्टडी वाली। अब आप यूट्यूब पे किसी का लेक्चर मत देखना, मैं आपसे कह रहा हूं, यूट्यूब पे किसी का लेक्चर मत देखना भाई, कि इस सब्जेक्ट का लाओ, इस चैप्टर का लेक्चर देख ले, ऐसा तो कतई मत करना, ये तो एकदम पूरा बेकार हो जाएगा, इतने सारे जो मैंने बताया ना, पूरा सबका भाजी पाला हो जाएगा, कुछ भी मत करना, लेक्चर देखना ही नहीं यूट्यूब पे आपको, सेल्फ स्टडी, क्या सेल्फ स्टडी, ओनली सेल्फ स्टडी करनी है, एनसीईआरटी से प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या आता, मोटिवेशन, हमने आपको मोटिवेट कैसे रखे, कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कॉन्फिडेंस तब आएगा ना, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको 10-20 आपने पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपसे अगर जो क्वेश्चन लग जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंस लेवल, और कॉन्फिडेंस को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना, बहुत ज्यादा इंक्रीज करना अपने कॉन्फिडेंस को। ठीक है, जब आप अच्छे से पढ़ोगे, फुल कंसंट्रेशन से एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो आपसे क्वेश्चन लगेंगे और आपके कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ड होगा, बिकॉज एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी से ही घूम घुमा के क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, एक ही बात को घूम घुमा के एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बात को घूम घुमा के उसने पूछा अगले अगले साल में एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो मोटिवेशन, अब बात है कि मोटिवेट कैसे रहे, मोटिवेट कैसे रहे, तो मैं आपसे बता दूं, कितने भी मोटिवेटर हैं, आपने संदीप महेश्वरी जी का नाम सुना, बहुत ही आइडियल मानता हूं मैं उनको, फिर बिंद्रा जी का नाम सुना, उनको मैं बहुत ही आइडियल मानता हूं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको कौन दे सकता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन आज तक का पूरे इतिहास में, सबसे का आंसर क्या, आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, आप नहीं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाए तो इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो, कंट्रोल में करो, आप उसे कहो कि भाई ये मुझे यही करना, केवल कुछ ही देर पढ़ना, उसको इंस्ट्रक्शन दो, उसको फूल बनाओ, ये अपना पॉइंट कहां से निकलेगा, फूल ऑफ माइंड से, कैसे मोटिवेट रहोगे, फूल ऑफ माइंड से, अपने माइंड को फूल बनाओ, मोटिवेट रखो अपने आप को, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते रहो। ठीक है, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, आप मोटिवेट नहीं कर पाए अपने आप को तो पूरे संसार में कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट का रिलैक्सेशन है, इसमें रिलैक्सेशन, मैंने कहा था ना बहुत सारे बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन रिलैक्स नहीं करते, इसकी वजह से क्या होता है, फेल हो जाते हैं, क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं। मैं आपको खुद बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मैंने बोर्ड एग्जाम से पहले क्या किया था, कल मेरा बोर्ड एग्जाम है और आज दोपहर तक मैंने जो पढ़ लिया उसके बाद से मैं बुक नहीं छूता था, आज दोपहर से कल एग्जाम तक मैंने किताब देखी नहीं, मुझसे कोई कहता था भाई ले किताब पढ़ ले, मैं मुझे नहीं पढ़ना भाई, मुझे नहीं पढ़ना किताब, तुम अपने किताब पढ़ो, क्यों मैं ऐसा करता था, रिलैक्सेशन। आप शाम तक पढ़ सकते हो, शाम को 7-8 बजे तक पढ़ सकते हो, कल पेपर है तो हल्का फुल्का ठीक है, फिर लेकिन रात भर आपको रिलैक्स करने है, आपको सुबह उठना है तो रात में पेपर से एक दिन पहले 9-10 बजे सो जाओ, फिर सुबह आराम से 6 बजे उठो, सीधे पेपर नहा धो के अच्छे से फ्रेश होकर पेपर देने जाओ, आपको क्या करना है, रिलैक्सेशन। और ये तो एग्जाम से पहले की बात है, डेली रिलैक्स कैसे करेंगे, आपने ढाई घंटे पढ़े, दो घंटे पढ़े, आधे घंटे का रिलैक्स कर लो आराम से, आप सो सकते हो, या फिर जाओ तो आप गाने बजा के डांस कर सकते हो, रूम बंद कर लो, अंदर गाने बजा के डांस कर सकते हो, आप सोच लो कोई नहीं देख रहा मुझे, मतलब ऐसे काम करना जिससे आप अच्छे से मूड फ्रेश हो जाए आपका, ऐसा नहीं कि आपकी टेंशन और बढ़ जाए, और कभी डिप्रेशन में तो जाना ही नहीं है, डिप्रेशन का क्यों भाई डिप्रेशन में जाना है, दो ढाई महीने का पूरा ट्रिक बता रहा, पूरा सिलेबस तैयार हो रहा 90-95%, तो क्यों डिप्रेशन में जाना है, जाना ही नहीं डिप्रेशन में। ठीक है, और लास्ट इसमें पॉइंट क्या आता है, नो डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट तो होना ही नहीं है, फोन चलाते हो, फोन से डिस्ट्रैक्ट हो, पबजी खेलते हो, गैरेना फ्री फायर खेलते हो, आज के आज सारे ऐप डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो, जितने भी आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा जितने भी हैं, क्यों, क्योंकि केवल 2-2.5 महीने बचे हैं, कितने महीने आपके पास बचे हैं, 2-2.5 महीने बोर्ड में बचे हैं, सब डिलीट कर दो, आज ही क्या सारा डिलीट कर दो और एकदम फुल फोकस कर दो पढ़ाई पे, फोन आप चलाते ज्यादा एडिक्टेड हो फोन के, फोन माता पिता को दे दो, सेल्फ स्टडी करो, किसी को दे, भाई बहन कोई भी हो किसी को दे दो और सेल्फ स्टडी करो। आगे में 5 पॉइंट हो गए, और छठा पॉइंट बहुत ही मजेदार है, ये क्या है, वाटर।
अच्छा, अपने आप को जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ सर, आधे घंटे में पढ़ा फिर मुझे नींद आने लगती है, 40 मिनट पढ़ा फिर मुझे नींद आ रही है, कुछ देर पढ़ा मुझे नींद आ रही है, तो भाई आलस लग रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ा रामबाण है, आज तक हमारे पूर्वजों ने भी ये कहा है, बहुत लोग कहते आ रहे हैं, आज मैं भी आपसे कह रहा हूँ, ये क्या लिखा है, वाटर, जल ही जीवन है। आप साथ में जहां पढ़ो वहां पे एक बोतल पानी रखो, ग्लास में पानी रखो, जब आपको हल्का सा आलस फील हो क्या करो, 2 घूंट पानी पियो, और क्या करो, माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि आई एम फील मोटिवेटेड, मुझे पढ़ना है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं, मुझे और अच्छे से पढ़ना है, क्या करना है, यहां पे भी फुल ऑफ माइंड, साथ में क्या करना है, पानी पीना है हल्का, एक एक ऐसा नहीं कि पूरा 1-2 बोतल पानी पी गए फिर आराम से पेट भर गया आप सो रहे हैं, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, 1-2 घूंट पानी पीना है, माइंड को अपने इंस्ट्रक्शन देना कि आई एम फील मोटिवेटेड, मैं बहुत ही अच्छा हूं, मुझे और पढ़ना है, 2-2.5 महीने बचे हैं, मुझे इतना स्कोर करना है, अपने माइंड को क्या करना है, कंट्रोल में रखना, अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देने हैं, और साथ में हल्का सा पानी पीना ताकि मूड रिफ्रेश हो जाएगा, इससे मैं गारंटी दे रहा हूं ना, ऐसा करेंगे 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर आपका माइंड इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि आप 2-3 घंटे और पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा खुद करता हूं और मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, आपको सच बता दूं ऐसे ही मैं पढ़ता हूं, ठीक है, ये छठा पॉइंट था। 7वां पॉइंट क्या था, मैजिकल रूल। 7वां पॉइंट क्या था, मैजिकल रूल, ये उन लोगों के लिए है, उनका ये अक्सर 95% लोग यही करते हैं, आपने कुछ देखा, कुछ अपना टाइम टेबल बनाया और आज ही क्या करेंगे आप, 2-4 दिन फॉलो करेंगे, फिर 4th-5th दिन से फिर वैसे ही गोल हो जाएगा सब मामला, क्या होगा कि अब नहीं पढ़ने, 1-2 दिन का गैप हो गया, फिर अब पढ़ने के लिए मोमेंटम ही नहीं बन रहा, तो पढ़ेंगे कैसे, जब ये 6 के 6 आपके तरीके क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए, तो ये मैजिकल रूल काम करेगा, ये मैजिकल रूल काम करेगा, मतलब क्या, जब सब कुछ आप 6 के 6 तरीके क्या हो जाए, आपके काम ना करें, जब आपका डिस्ट्रैक्शन 2-3-4-10 दिन बाद टूट जाए, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो क्या करना, टाइम को 0 मान लेना, ऐसा सोच लो, फिर से बिगनिंग करनी है अपने, क्या करनी है, बिगनिंग, जब 8-10 दिन बाद आप क्या हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, अपने रूल से भटक जाओ, सारी चीजें आपको याद ना रहे, तो फिर से इसी लेक्चर को ऑन करना और फिर से 6 पॉइंट देखना, 10-12 मिनट के लेक्चर को फिर से देखना और क्या करना, फिर से बिगनिंग करना, ये मैजिकल रूल है। अगर आपने फिर से बिगनिंग कर दिया आज ही के आज ही, तो क्या हो जाएगा, आप पक्का चैंपियन बनोगे, क्या बनोगे, आप चैंपियन बनोगे, ये इस लास्ट पॉइंट का उससे देखो क्या बनोगे आप, चैंपियन। अगर आपने फिर से बिगनिंग कर दिया मैजिकल रूल से, पूरा वीडियो को फिर से देख लेना, फिर से आप मोटिवेटेड फील करोगे, आप फिर से आप क्या करोगे, अपनी स्टडी स्टार्ट करोगे, तो ये क्या है, मैजिकल रूल। जब 6 के 6 पॉइंट वेस्ट हो जाए तो मैजिकल रूल काम करेगा, फिर से एक नई बिगनिंग आपको करनी है, सोचना है कि अब मेरे पास कितने महीने बचे, 1.5 महीने बचे, मुझे जितने भी सब कुछ करना है, ठीक है, फिर से बिगनिंग, हमेशा स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट करोगे तो खत्म तो खुद ही हो जाएगा, स्टार्ट करोगे तो खत्म खुद ही हो जाएगा, पॉइंट फिर से कहां गया, पहले ही पॉइंट पे आ गया, स्टार्ट बिगनिंग करनी है, फिर से सब कुछ यही करना है, फिर से अब सब कुछ यही देखना, ये 7 पॉइंट, क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है ये बताया, क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है भाई, क्या ये भी मोटिवेशन से रिलेटेड ही है, कैसे अपने आप को एकदम फ्री महसूस करना है, एंड लास्ट सब कुछ भूल गए, फिर से स्टार्ट कर दो बिगनिंग, ये 7 पॉइंट है, ये 7 अजूबों की तरह है, 7 पॉइंट आपने फॉलो कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके बोर्ड में 10th हो 12th हो किसी का भी पेपर दे रहे हो, 2-2.5 महीने बहुत ही अच्छे रिजल्ट 95% से कम नहीं आने वाले आपके, ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस सारे बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, बहुत अच्छे से इसको फॉलो करोगे और बोर्ड में 95% लेके आना, और जब बोर्ड में 95% अभी 90% जवाब आ जाए ना, इसके नीचे आके कमेंट करना कि भाई मेरे इतने परसेंट आ गए, आपने बताया था ये चीज, पक्का आएंगे, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, लास्ट में यही कहना चाहूंगा आपसे, और आप पढ़ते रहना, इस सबको फॉलो कर देना, 90-95% लेके आना, तब आके यहाँ पे कमेंट करना, ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।